हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम इस फोटो को करने वाले हैं एडिट, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप कोई सा भी एंगल अगर मिस करते हैं तो आप इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम शेयर करेंगे इसको स्नैपशीट के अंदर। तो ये रहा हमारा स्नैपशीट। अब हम लोग यहाँ टूल में क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद हम लोग पहले टून इमेज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। अब हम लोग फिर से टूल में जाएंगे और सेलेक्टिव को क्लिक करेंगे, इसमें जूम करेंगे थोड़ा सा, और जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक दिखता है वहाँ पे सेलेक्ट करके वहाँ का ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को। चलिए अब हम फिर से यहाँ टूल में जाने के बाद हेलिंग पे क्लिक करेंगे, फिर पिंपल्स को रिमूव करेंगे। अब यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम के अंदर। तो चलिए हम लोग अब लाइटरूम के अंदर चलते हैं। लाइटरूम में आने के बाद हम लोग अपने फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे कलर्स के अंदर। कलर्स में जाने के बाद मिक्स टूल पे क्लिक करना है। तो चलिए मिक्स टूल में क्लिक करने के बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद इसको अपने हिसाब से चेहरे का कलर को सेट करेंगे। इसको मैं रखूँगा 15, नीचे वाले पे 14। इसके बाद सेकेंड और थर्ड वाला, इसको दोनों को माइनस पे रखना है क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, तो मैं उतना ही रखूँगा। फिर जाएंगे हम लोग इफेक्ट में, रिविजनेट को 16 में रखेंगे, मीट पॉइंट को 31 में रखेंगे, फेदर को भी 31 में रखेंगे, राउंडनेस को भी 31 में रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर करेंगे स्केच बुक के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले ब्रश का साइज सेलेक्ट करेंगे। आप लोग ब्रश का साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लो को 1% रखूँगा मैं, स्ट्रेंथ को भी 1% रखूँगा। चलिए फेस को स्मूथ करते हैं हम लोग। फोटो को जूम करके कुछ इस तरह से गोला गोला घुमाएंगे। कर लेंगे गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा।
तो अब हम फोटो को सेव करके पिक्सआर्ट के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग रिटच में क्लिक करेंगे, फिर आइस का कलर चेंज करेंगे। फिर उनको कौन सा सेलेक्ट करने के बाद इरेज पे क्लिक करने के बाद उसको इरेज कर देंगे हम लोग। कुछ इस तरह से मैं आराम से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सीखने में आसानी हो। फिर हम लोग बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, फिर इसका बॉर्डर देंगे हम लोग। आउटर को 0 रखना है, इनर को 1 रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें PNG ऐड करेंगे। पहले अपना लोगो ऐड करते हम लोग। मॉडल फोटोग्राफी गाइस, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टा में फॉलो करो, मॉडल फोटोग्राफी के नाम से अकाउंट है। फिर यहाँ से सेव करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉ में जाके फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट करें गाइस। न्यू चैनल है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को वीडियो बनाने का, बट आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही सीख जाऊंगा मैं भी। तो चलिए, आपको डेली ऐसा ही वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।